महत्वपूर्ण बैठक हुई है सर, किस तरह के निर्णय निकले और पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए क्या कुछ तय किया गया है? देखिए, जहाँ तक पूरे लॉकडाउन की बात है कि ऑड और इवन वाला जो आज और कल फॉलो होना है, उसके बाद से प्रशासन ने लॉकडाउन का फैसला किया है परसों से, क्योंकि लगातार पॉजिटिव मरीज यहाँ पर मिलते जा रहे हैं और उस बीच में जो भी आवश्यक सेवाएं हैं उनकी आपूर्ति पूरी तरीके से निर्बाध रूप से होती रहे, इसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। वैसे अच्छी बात यह है कि जो विगत दिनों में जो जनता कर्फ्यू हो या उसके बाद का जो लॉकडाउन हो जब अनाउंस हुआ था, तो ज़्यादातर जो सामग्रियां हैं, चाहे हम किराने की बात करें, सब्जियों की बात करें, लोगों ने ऑलरेडी 8-10 दिन 15 दिन का स्टॉक लेके अपना रखा हुआ है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। साथ साथ नगर निगम से हम लोगों ने डोर टू डोर होम डिलीवरी भी, चाहे वो सब्जी की हो चाहे किराना की हो, सब्जी के हमारा इस्टेब्लिश सिस्टम हो गया है, किराने का भी आज से इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो वो हम लोगों ने शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से लॉकडाउन करके हम लोग इस कोरोना के ऊपर जितनी जल्दी नियंत्रण पा लें उतना अच्छा। सर, आवश्यक वस्तु की दुकानें भी पूर्णतः बंद रहेगी, सिर्फ घर पहुंच सेवा पर ही निर्भरता रहेगी सर? जी हाँ, क्योंकि ऐसा आमतौर पर देखा गया है कि चाहे सब्जी हो, किराना हो, दूसरी आवश्यकता, उनके चक्कर में लोग ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए हम लोग उनकी होम डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे और 100% लॉकडाउन। सर, सोमवार से कब तक रहेगी सर ये व्यवस्था? सोमवार से कब तक? देखिए, ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का अरेंजमेंट जो है इस पर विचार किया जा सकता है कि 2-3 दिन तक हम लोग लॉकडाउन करके उसके बाद में फिर 1 दिन के लिए खोल दें, जो आगे निर्णय लिया जाएगा। पहले हम लोग एक बार लॉकडाउन करके शुरू करते हैं, फिर आगे देखा जाएगा।